अगला क्वेश्चन है, vb.net में कांस्टेंट से आप क्या समझते हैं। तो जैसे अभी तक हमने पढ़ा वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल में जो वैल्यू होती है वो जैसे ही आपने कोई दूसरी वैल्यू दी तो वेरिएबल की वैल्यू मेमोरी से बदल जाती है, इसलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। जो बदलने में समर्थ हो वो कहलाती है वेरिएबल। उसी प्रकार से वेरिएबल का अपोजिट होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होता है, वैल्यू पूरे प्रोग्राम के समय तक निश्चित रहती है, उसकी वैल्यू को हम बदल नहीं सकते हैं। तो कांस्टेंट का अर्थ वेरिएबल से भिन्न है। कांस्टेंट की वैल्यू प्रोग्राम के रन होने के समय पर नहीं बदलती। कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स इस प्रकार से होता है, CONST कांस्टेंट कीवर्ड हम लिखते हैं, उसके बाद कांस्टेंट का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू लिखते हैं। इसे देखते हैं आप प्रोग्राम पे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम में हमने एक विंडोज़ एप्लीकेशन में दो टेक्स्ट बॉक्स रखे हुए हैं और एक टेक्स्ट बॉक्स में कांस्टेंट को समझने के लिए यहाँ पर विजुअल बेसिक डॉट नेट पर इस प्रकार से जो प्रोग्राम है इसकी डिज़ाइनिंग यहाँ पर आपको दिख रही है, जिसमें कि दो टेक्स्ट बॉक्स रखे हुए हैं और इस प्रकार से हमने यहाँ पर रेडियस इनपुट कराएंगे और यहाँ पर एरिया ऑफ सर्किल। सबसे पहले तो सिंपल इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हमने स्टार्ट डीबगिंग बटन पे क्लिक किया और ये हमारा प्रोग्राम एप्लीकेशन रन होने लगा। यहाँ पर हमने टाइप किया अगर रेडियस 3 और हमने कैलकुलेट एरिया बटन पे जैसे क्लिक किया तो एरिया ऑफ सर्किल। यहाँ पर प्रोग्राम क्या कर रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, जो भी वृत्त की त्रिज्या है उसको हम यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं और वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर हमको कैलकुलेट होकर के मिल रहा है। अब इस प्रोग्राम पे हम समझते हैं कि किस प्रकार से कांस्टेंट का इस्तेमाल किया गया। राइट क्लिक करके हम यहाँ पर व्यू कोड करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए पाई नाम का एक कांस्टेंट डिफाइन किया गया है। यहाँ पर पाई नाम का, पाई के आगे लिखा हुआ है CONST, मतलब पाई जो है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 3.14। और एरिया हमने एक सिंगल मतलब दशमलव वैल्यू स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल को डिफाइन किया और आर को हमने इंटीजर डिफाइन किया, इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल करके इसको डिफाइन किया त्रिज्या को स्टोर करने के लिए। और जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स 1 से वैल्यू जो भी आपने दी वो काय में स्टोर हो गई आर में, और यहाँ पर pi into r, जैसे अगर r की वैल्यू आपने 3 इनपुट की तो 3 into 3 यहाँ पर होगा और पाई का मान कितना है 3.14। जैसा कि हमको फॉर्मूले में मालूम होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होता है, इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल इस प्रकार से लिखते हैं पाई, जो पाई का मान जो भी होता है वो लिखते हैं 3.14 into r। तो यहाँ पर जो भी आप रेडियस जो भी त्रिज्या इनपुट करेंगे उसका ये जो फिक्स मान है पाई का उस पर गुणा होकर के और वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये जो रेडियस की वैल्यू है, जो त्रिज्या की वैल्यू है वो टेक्स्ट बॉक्स से हम इनपुट कराएंगे और वो आर में स्टोर हो जाएगी और पाई into r, और यहाँ पर pi का मान हमने पहले से निर्धारित करके रखा है 3.14। तो इस प्रकार से किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू को जो प्रोग्राम में बदलती नहीं है, प्रोग्राम में निश्चित रहती है, इसके लिए vb.net में कांस्टेंट कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आपका vb.net में कांस्टेंट।